हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यू मी एंड गार्डनिंग पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे इस सुंदर से फूल के पौधे के बारे में। ये विंटर सीज़न का बहुत ही खूबसूरत सा फूल होता है। आपको इसके जो सीड्स हैं, इसके जो प्लांट हैं, नर्सरी में आराम से विंटर सीज़न में मिल जाएंगे। ये बहुत सारे कलर्स में आता है, येलो है, पर्पल है, वाइट है, रेड है। आपको जो अच्छा लगे आप उस कलर का प्लांट अपने घर में ला सकते हैं। इसको बटरफ्लाई फ्लावर भी कहते हैं इसकी डिज़ाइन की वजह से। ये देखिए यहाँ पे ये जो डिज़ाइन बनी है, इसलिए इसको बटरफ्लाई फ्लावर भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सनलाइट के बारे में। आप जहाँ सुबह की रोशनी आती है छन के, ज़्यादा इसको तेज़ धूप में मत रखिएगा। जहाँ पे सुबह की रोशनी छन कर आती है आप वहाँ पे इसको रख सकते हैं। इसके आसपास थोड़ी ठंडक बनी रहनी चाहिए, थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए। आप किसी भी बड़े से पौधे के नीचे इसको ग्रो कर सकते हैं आराम से, तो ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अगर आप तेज़ धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा इसको आप ग्राउंड में भी ग्रो कर सकते हैं। किसी पेड़ के नीचे ढेर सारा फ्लोर अगर आपको ज़मीन कवर करनी है तो ये आप आराम से वहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यानी ग्राउंड दिखेगा। आप छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट्स में भी लगा सकते हैं, पूरा कवर कर लेगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये देखिए, अगर जब भी इसमें फ्लावर्स आते हैं और जो फ्लावर्स मुरझा जाते हैं तो उनको आप इस तरीके से हटा दीजिए। ये देखिए, ऐसे हटा कर आप इसको हटा देंगे तब न्यू बर्ड फिर से आएंगे और ढेर सारी कली बनेंगी। ये देखिए ढेर सारी कली बनती रहेंगी। अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो ये न्यूट्रिशन प्लांट का लेती रहेंगी, ये न्यूट्रिशन प्लांट का लेती रहेंगी और आपके प्लांट पे फ्लावर्स कम आएंगे। तो जब भी आपको मुरझाया हुआ कोई फूल दिखता है तो आप हटा दीजिए। बात करते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स पे, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों इसकी मिट्टी में आप 40% गार्डन सॉइल, 60% आप काऊ डंग वगैरह मिला सकते हैं। थोड़ा सा आप सैंड भी मिला सकते हैं, सैंड नहीं हो तो आप बजरी भी मिला सकते हैं, बेटर होगा तो सैंड मिलाएं। इसमें इसकी रूट्स जो होती हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। काऊ डंग इसके लिए बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, जिससे इसका प्लांट बहुत हेल्दी रहता है और बहुत ढेर सारे ये फ्लावर्स देता है। इसमें पानी, इसका जो पॉटिंग मिक्स है ऐसे बनाइए कि पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए, आराम से वेल ड्रेन हो, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए इसकी। इस तरीके से आप सारी इंफॉर्मेशन को फॉलो करिएगा। इस तरीके से आप हेल्दी प्लांट पेंजी के घर में ही ग्रो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी जानकारी दोस्तों बहुत है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।